गुड मॉर्निंग क्लास फिफ्थ, हम पढ़ रहे हैं इंग्लिश ग्रामर लेसन नंबर 7, प्रनाउन सरनाउन। प्रनाउन क्या होते हैं? प्रनाउन इज़ अ वर्ड यूज इन प्लेस ऑफ अ नाउन और नाउन एक्सप्रेशन। जो भी वर्ड आपके नाउन पर या नाउन की मतलब नाउन से रिलेटेड जगह पर यूज़ किए जाते हैं, संज्ञा की जगह पर जो शब्द यूज़ होते हैं वो क्या होते हैं? आपके सरनाउन। जैसे डिम्पल इज़ अ वेरी गुड गर्ल, इसमें जो नाउन है वो क्या है? डिम्पल। अब हम उसकी जगह पर अगर हम उसी के बारे में बात कर रहे हैं तो कौन सा वर्ड यूज़ करते हैं? शी। गर्ल के लिए क्या यूज़ होता है? शी। शी इज़ फेवरेट ऑफ ऑल द टीचर, वो सभी टीचरों की फेवरेट है। ऑल ऑफ देम एडमायर हर, सब उसकी क्या करते हैं? प्रशंसा करते हैं, तारीफ करते हैं। ऑल ऑफ देम, तो जो हमने ये वर्ड है ये भी किसके लिए यूज़ किया है? डिम्पल के लिए। तो सेम मतलब नाउन के लिए जो वर्ड्स यूज होते हैं वो क्या कहलाते हैं? प्रनाउन। तो शी, देम, ये वर्ड क्या है? प्रनाउन। ठीक है, तो प्रनाउन के काइंड्स बताए हुए हैं, 8 काइंड्स होते हैं। पर्सनल प्रनाउन, डेमोन्स्ट्रेटिव, इंटेरोगेटिव, रिफ्लेक्सिव, एम्फेसाइजिंग, पजेसिव, और उसके बाद आपका इंडेफिनिट और रिलेटिव प्रनाउन। ये आप अच्छे से इनके सारे जो नाउन के काइंड्स हैं ये सब आप क्या करेंगे? इनको लर्न करेंगे, इनके नेम। पर्सनल प्रनाउन जो अपने बारे में बात की जाती है, पर्सन और थिंग्स किसी से बिलोंग करती है, जैसे कि आई, मी, माइन, वी, अस, आर्स, ही, हिज, ये सारे शब्द वर्ड्स जो है वो पर्सनल प्रनाउन में आते हैं। डेमोन्स्ट्रेटिव, जब हम किसी चीज़ को पॉइंट आउट करते हैं, किसी ऑब्जेक्ट को पॉइंट आउट करने के लिए जो वर्ड्स यूज़ करते हैं, जैसे दिस इज़ अ मैंगो, एक मैंगो है। दोज आर द ट्रीज, दोज आपका प्लूरल वर्ड है, दैट का प्लूरल होता है। तो दिस, दोज, दैट, दीज, ये वर्ड जो होते हैं वो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रनाउन। इंटेरोगेटिव प्रनाउन क्वेश्चंस पूछने के लिए यूज़ किए जाते हैं, क्वेश्चन वर्ड्स इसमें यूज़ होते हैं, जैसे हु, व्हाट, कौन, क्या, है ना, ऐसे शब्द जो क्वेश्चन पूछने के लिए यूज़ किए जाते हैं वो इंटेरोगेटिव प्रनाउन। रिफ्लेक्सिव प्रनाउन जैसे कि माई सेल्फ, योर सेल्फ, हिम सेल्फ, इस तरीके के जो वर्ड्स होते हैं वो रिफ्लेक्सिव प्रनाउन में आते हैं। एम्फेसाइजिंग प्रनाउन यूज टू कन्वे एम्फेसाइज, जैसे कि योर सेल्फ, हिम सेल्फ, और आपके जो पजेसिव प्रनाउन है वो पोजेशन शो करते हैं, बिलोंगिंग्स, जैसे दिस पेन्स आर माइन, ये पेन मेरे हैं, बताया जाता है कि कौन सी चीज़ किसकी है, किससे बिलोंग करती है, वो आपका पजेसिव प्रनाउन। इंडेफिनेट प्रनाउन जिसमें जो कोई नाउन अंडरस्टूड और इम्प्लीफेंशन, मतलब कि किसी पूरे उसके लिए, कुछ नाउन्स के लिए, जैसे ऑल वर सेटिस्फाइड, तो सेटिस्फाई मतलब सबके लिए कौन सा वर्ड यूज़ कर दिया है? ऑल। तो ये कौन से नाउन होंगे? प्रनाउन होंगे इंडेफिनेट। ऐसी मैनी वर इन्वाइटेड बट फ्यू केम, कुछ ही लोग आए, फ्यू। तो इस तरह के जो वर्ड्स होते हैं नन, ऑल, सम, ये किस में आते हैं? इंडेफिनेट। रिलेटिव प्रनाउन दैट रिलेट अ नाउन टू अ ग्रुप ऑफ वर्ड, एक पूरे ग्रुप ऑफ वर्ड से जो जिस नाउन क्या हम उसको रिलेट कर देते हैं, जैसे कि मैं उस आदमी को जानता हूँ जिसने कि फर्स्ट प्राइज जीता, हु, ये वर्ड है, विच, ये किस में आते हैं? आपके रिलेटिव प्रनाउन में। अब पर्सनल प्रनाउन में भी 3 पर्सन होते हैं, फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड। फर्स्ट पर्सन जो कि बात कर रहा है वो फर्स्ट पर्सन, जिससे बात कर रहा है वो जो उसके लिए जो वर्ड यूज़ होते हैं वो सेकंड पर्सन, और जिसके बारे में बात की जाती है, जिससे रिलेटेड बात होती है, वो थर्ड पर्सन। ये चार्ट है, आप इसको पढ़ लेंगे, ठीक है। आई, वी, ये आपके फर्स्ट पर्सन में आते हैं, यू, ये सेकेंड पर्सन में आते हैं, ही, शी, इट, दे, वर्ड, ये सब आपके थर्ड पर्सन में आते हैं। उसके बाद रिलेटिव प्रोनाउन आपको बताया हुआ है, यहाँ पर आपने अभी यहाँ पर पढ़ा था कि पूरे रिलेट, पूरे ग्रुप ऑफ वर्ड को वो रिलेट करते हैं, ठीक है, वो आपके रिलेटिव प्रोनाउन होते हैं, और इसमें दिस और दैट का मोर यूज़ बता रखा है। वी यूज़ दैट आफ्टर एडजेक्टिव्स इन द सुपरलेटिव डिग्री, शी इज़ वन ऑफ द बेस्ट टीचर दैट हैव एवर बीन, मतलब कि अगर हम सुपरलेटिव, जैसे बेस्ट वर्ड है सुपरलेटिव डिग्री का, जब हम उसके बाद यूज़ करते हैं तो हम किसका यूज़ करते हैं? दैट का। वी यूज़ दैट आफ्टर द वर्ड्स, और ये जो वर्ड्स हैं जैसे ऑल, सेम, नन, नथिंग, इसके बाद भी हम किसका यूज़ करते हैं? दैट वर्ड का। जैसे ऑल वर्ड है ना, इसके बाद हम किसका यूज़ करते हैं? दैट। ऑल दैट ग्लिटर इज़ नॉट गोल्ड, नथिंग के बाद भी हम दैट का यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। अब क्लास आपको क्या करना है, इसकी एक्सरसाइज करेंगे आप, पहले प्रोनाउन की डेफिनेशन और उसके नेम्स ऑफ काइंड्स लिखेंगे, काइंड्स के नेम, और आपको वो लर्न भी करने हैं। ये टिक द राइट ऑप्शन, ये अपने बुक में ही करेंगे, ये वाली एक्सरसाइज आप अपनी कॉपी में करेंगे, एक्सरसाइज नंबर बी, ये कॉपी में करेंगे, और सी, ये आप अपनी बुक में ही करेंगे, ठीक है क्लास। गुड बाय।